मैडम, अभी बीजेपी हैदराबाद पार्लियामेंट से एक महिला कंटेस्टेंट को उम्मीदवार के तरह, बीजेपी उम्मीदवार के तरह मैदान में उतारे, कैसा देखते हैं इसको? बहुत अच्छा स्टेप है ये बीजेपी के हाईकमांड की तरफ से, और मैं इसको स्वागत करती हूँ क्योंकि यहाँ अभी तक ओनली ओवैसी ब्रदर्स का ही 40 ईयर्स से हम सुनते आ रहे हैं। अभी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, वो एजुकेटेड वेल एजुकेटेड है, प्रॉब्लम्स कोर प्रॉब्लम्स जो हैदराबाद ओल्ड सिटी फेस कर रहा है उसके ऊपर हाईलाइट बहुत अच्छा कर रही हैं वो, तो शायद हो सकता प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत सॉल्व होने की उम्मीद दिख रही है यहाँ। क्या ओवैसी को टगाफर मुकाबला दे सकते हैं माधवी लता? होप्स तो है, देने के पूरी संभावना है, दिख तो रहा है क्योंकि ओल्ड सिटी के लोगों को भी डेवलपमेंट चाहिए। सेम वही प्लेस में वही रोड्स, वही विदाउट एनी डेवलपमेंट, विदाउट एनी गुड एजुकेशन, पीपल आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे आर लिविंग इन द सेम स्टेटस। देयर स्टेटस इज नॉट अपलिफ्टेड। ओनली ओवैसी ब्रदर्स हैज अपलिफ्टेड देयर स्टेटस, सो पीपल ऑल्सो वॉन्ट सम चेंज। कैसा देखते हैं कि एक महिला को हैदराबाद के उम्मीदवार के तरह, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बीजेपी के इतिहास में ऐसा कोई महिला को टिकट नहीं दिया था, पहली बार महिला को देना, कितना तक संभव है ये चीज़ कि ओवैसी को टगाफर दे सकते हैं? महिला पुरुष की बात नहीं है यहाँ पर, डेवलपमेंट की बात है। जो करेगा वो महिला हो भी हो सकती है और ये पुरुष भी हो, कोई भी हो, डेवलपमेंट की उम्मीद है यहाँ पर। तो वुमेन और मेन के बीच में कोई फर्क नहीं देखता है बीजेपी, इसीलिए वो वुमेन एंटरप्रेन्योर को चूज करा है, और दो तीन लोग भी देखे हैं वो, शायद हो सकता है उनको ये उम्मीदवार बहुत बेटर दिखे हों, कुछ प्रॉब्लम्स तक रीच हो सकते हैं, इसीलिए चूज करे होंगे। ओवैसी को हैदराबाद का और AIMIM को हैदराबाद का गढ़ माना जाता है, ऐसे ऐसे प्लेस पे बीजेपी एक माधवी लता जैसे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट समझते हैं आप माधवी लता को? हाँ बिल्कुल, क्योंकि शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, एज आई हैव सीन हर इंटरव्यूज टिल 25 ईयर्स शी वॉज इन संतोष नगर इट सीम्स। तो उसके हिसाब से देखा गया तो संतोष नगर इज इंटीरियर ओल्ड सिटी एंड शी विल बी डेफिनेटली नोइंग व्हाट द प्रॉब्लम्स मेनी पीपल आर फेसिंग, इवन हिंदू और मुस्लिम्स एनी वन। तो हो सकता प्रॉब्लम्स तक रीच होने की पूरी संभावना है, और मैं उम्मीद भी करती हूँ और उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोलूँगी कि जो भी हाई कमांड उनके ऊपर उम्मीद रख कर दिया है वो पूरा करेगी वो। धन्यवाद। आपका नाम है? गीता मिश्रा। हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार माधवी लता को मैदान में उतारा गया है, जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कितना तक उन्हों कामयाब हो पाती है। तो हमारे साथ, हम पुराने शहर के कबूतरखाना एरिया में है जो MIM का घर माना जाता है, और कुछ कुछ यहाँ पर हिंदू होटल्स भी है, जो यहाँ पर हिंदू होटल काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं, बीजेपी के लिए काफ़ी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो उनसे बात करेंगे यहाँ के लोकल लोगों से कि आखिर माधवी लता जी को कैसा देखते हैं कि बीजेपी कंटेंडर जो हैदराबाद से है, सब कैसा देखते हैं माधवी लता जी को कि बीजेपी मैदान में उतार दी है, अभी प्रचार भी चल रहा है, आपको क्या लगता है क्या ओवैसी को तकाफर दे सकते हैं? मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी ने एक अच्छी कैंडिडेट को हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट किया है, और शी उनकी पैदाइशी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में याकूतपुरा क्षेत्र के संतोष नगर में हुआ है। वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका एग्जाम्पल है वो विरिंची हॉस्पिटल हैदराबाद का, एक यूनिवर्सल हॉस्पिटल की चेयरमैन है। शी इज़ अ गुड मदर बिकॉज हर डॉटर इज स्टडिंग इन IIT, और शी इज़ अ गुड सोशल वर्कर। फ्रॉम पास्ट मेनी टाइम वी आर सीइंग अ सोशल वर्क अराउंड होल ऑफ द हैदराबाद सिटी। शी इज रनिंग वो तो काफ़ी सारे NGOs ट्रस्ट को संचालन कर रही है। खास तौर पर माधवी जी का जब बात आता है तो कई सारे मंदिरों में भी पूजा पाठ कर रहे थे पिछले एक साल से, काफ़ी ज़्यादा फोकस उन्होंने हैदराबाद पे लगाए थे। क्या आपको लगा था कि माधवी जी हैदराबाद के कंटेस्टेंट होंगे? नहीं, अभी तक तो उस एंगल में हमने कभी देखा नहीं था कि माधवी जी, बट पिछले एक महीने से उनका नाम चल रहा था कि वो भी एक कॉन्टेंडर है हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बीजेपी की तरफ से, और उनका सौभाग्य है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनको इस पद के लिए सेलेक्ट किया है। अगर पब्लिक चाहेंगी तो वो सेलेक्ट इलेक्ट होके आएंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी को माधवी जी टक्कर दे पाती है? 100% दे पाएंगी बिकॉज हर एंगल में वो जो भी फील्ड में जाती है शी इज एक्सेल, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ हॉस्पिटल, एज ए सोशल वर्कर, एज ए मदर,
एंड एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो शी विल एक्सेल। मैडम आप बोलिए कि क्या लगता है आपको माधवी जी अब के बार हैदराबाद से जीत पाएगी? मुझे ज़रूर लगता है कि वो जीत पाएगी एंड थैंक्स टू मोदी जी एंड अमित शाह, उन्होंने एक टफ कंटेंडर को चूज़ किया है अगेंस्ट द 40 इयर्स ऑफ ओवाईसी रूलिंग इन द ओल्ड सिटी दैट वी हैव। एंड आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ओल्ड सिटी, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 इयर्स से हूँ एंड मैं ट्रैवल भी करती रहती हूँ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड मैं वहाँ पे देखती हूँ दे आर वेरी वेल डेवलप्ड एंड कम्पेयर टू द एरिया दैट आई रिसाइड इन। खास तौर पर ओल्ड सिटी पे आप देखे गया तो किस तरह के इशूज है जो माधवी लता जी यहाँ पर उठाना है? सो इफ यू फर्स्टली टेक डेवलपमेंट के हिसाब से मेट्रो रेल एक्सटेंशन अपना ओनली MGBS तक हुआ, फलकनामा तक क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली फलकनामा तक का तो एक्सटेंशन था उसका, बट ओल्ड सिटी में वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मोस्टली द लीडर सपोर्ट करते हैं कि लाइक उनके को जो भी है अलायंसेस के कोई बिल्डिंग्स हो, दिल नॉट डिमोलिश दोज बिल्डिंग, दिल नॉट गो फॉर एनी रोड एक्सटेंशन। इवन इफ़ यू सी द रोड्स यहाँ पे जो है दे वेरी कंजस्टेड, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, द व्हीकल्स ऑन द रोड आर ग्रोइंग, बट द रोड्स आर स्टिल कंजस्टेड। दे विल नॉट टेक एनीथिंग, अब एक बोल्ड स्टेप नहीं लेता जब तक MIM होता है यहाँ पे, एक बोल्ड स्टेप नहीं लेता क्योंकि 40 ईयर से उनको आदत बन गया यहाँ पे रहने का। सो कोई नया पर्सन, स्पेशली इट्स अ वुमेन, आई एम पर्सनली हैप्पी दैट इट्स अ वुमेन एंड शी विल बी एबल टू कंटेंट बेटर एंड आई ऑल्सो नो दैट शी इज़ अ सोशल रिफॉर्मर, उनकी ऑलरेडी शी इज़ रनिंग हॉस्पिटल्स NGOs एंड शी इज़ वेरी मच इन टू लाइक ऑल्सो आई हर्ड दैट शी इज़ वेरी रिलीजियस एंड पायस पर्सन। ऑफकोर्स एक ऐसा इंप्रेशन रहता है कि BJP हमेशा रिलीजियस थिंग्स को ही ऐसा ध्यान देता है, बट इट्स नथिंग लाइक दैट, दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड आई होप इफ शी इज़ कमिंग एज अ MP ऑफ हैदराबाद शी विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैदराबाद। सो आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हर टू कंटेंड एंड विन। MIM का हैदराबाद MIM का गढ़ माना जाता है, ऐसे जगह पर BJP का कितना प्रभाव हो सकता है, BJP अभी कितना तक सफल हो सकती है? सो पहले अगर देखा जाए तो MIM हैदराबाद लाइक यहाँ का लाइक दे आर सेटल्ड यहाँ पे, हमारा लोकल जो भी काउंसलर है या कुछ भी है वो भी MIM के ही है, बट अभी जो भी सिटीजन्स है इफ़ यू आस्क मी दे आर ऑल एजुकेटेड, दे आर लुकिंग फॉर चेंज, उनको न्यूनेस चाहिए, उनको समवन जो अपना डेवलपमेंट करता हो वो चाहिए। इफ़ यू आर नॉट फिक्सिंग अ स्ट्रीट लैंप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस आई एम नॉट गोना वोट फॉर यू, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड सीरियस। सो हम लोग उन्हीं को वोट करना चाहते हैं हु कैन डू बेटर। अच्छा आप यहाँ के लोकल है, स्थानीय है, तो किस तरह के प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलता है कि हर टाइम पे रेगुलर बेसिस पे किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसके ऊपर ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा? सो इफ़ यू अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मोस्टली इट विल बी द वाटर सप्लाई, सीवेज एंड ऑल। अप अंटिल रिसेंट टाइम रोड भी ठीक नहीं था, आप यहाँ मैं यहीं पर रहूँगी, आप एक राउंड मार के आना पूरी ओल्ड सिटी में, रोड्स देखना आप, छोटे छोटे लेन्स हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं रहता है वहाँ पे, बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पे, खड्डे रहते हैं एंड इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को कुछ हो जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता है। इवेंचुअली पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है कि वो कोई एक्शन नहीं लेती है एंड आगे बढ़ता भी नहीं अगर कुछ सीरियस केस हो जाए। यहाँ पे ही हमारा पोल है, वहाँ पे एक आयरन पोल था एंड लिटरली एक बच्चे की डेथ हो गई, आफ्टर दैट नो वन केयर, जस्ट एक पोल को बदल दिया, बट विल दैट स्टॉप अस फ्रॉम डेंजर? नो, मेरा घर एग्जैक्टली बाजू में है उसका, बट वो डेंजर को स्टॉप नहीं करता है, वी हैड टू रेज कंप्लेंट्स एंड ऑल टू फिक्स दैट। सो यहाँ पे लीडर्स की काम कम और हम लोग उनको चेस करना ज़्यादा है, रादर वो लोग हमारे लिए काम करना छोड़ के। थैंक यू। ये है स्थानीय लोगों का कहना कि यहाँ पर पुरानी शहर हैदराबाद पार्लियामेंट में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लीडर्स तक जाते हैं, कंप्लेंट्स देते हैं, उसके बावजूद कई दिन तक उसका एक प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं होता है और कई सारे ड्रेनेज के सिस्टम्स हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पर ओल्ड सिटी में जो यहाँ पर प्रॉब्लम खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी का जो गढ़ माना जाता है AIMIM का, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है। हमारे साथ कुछ भाई भी जुड़े हैं, भाई आप बोलिए कि आपको कैसा लगता है कि एक महिला को माधवी लता के एक BJP का उम्मीदवार उतारा गया है, कैसा देखिए? सबको एक ही नजर देखते हैं हम तो। जाओ, क्या आपको लगता है कि अब के बार BJP बाजी मारेगी या पर BJP से MP सीट जीतेगी? ऐसा तो हम जो काम करते हैं हम उनको वोट देते हैं।
अच्छा आप क्या देखते हैं कि MIM अब तक 40 सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, कि कई सारे लोगों से हमने बात किया है, यहाँ पर बहुत सारे समस्या ऐसे है, ड्रेनेज की समस्या, पावर की समस्या और रोड की समस्या, ये सब चीज़ों के बाद अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी रोड पड़ रहा है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइट तो कंटिन्यू चालू है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी रोड अभी परसों डाला है, ये रोड डाला है, ड्रेनेज डाला है, काम चल रहा है, काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। बोला जाता है कि 40 साल से यहाँ पर हुकूमत करते हैं, यहाँ पर रूल करते हैं, मगर यहाँ की डेवलपमेंट कंपैरेटिवली शहर को देखे तो कंपैरेटिवली पुराने शहर में बहुत ही डेवलपमेंट कम हुआ है। यहाँ पर मेट्रो रेल की बात होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, तो मेट्रो रेल तो सेंटर से रहता ना, सेंटर से ताल्लुक रहता है, सेंटर जब हुकूमत चालू करेंगे तो जब स्टार्ट होगा काम। अभी रेवन रेड्डी साहब बोल रहे हैं हम इनॉग्रेशन 7 तारीख को करेंगे, बल्कि ऐसा चलते रहते हैं प्रोग्राम, तो जो भी काम होते रहता है। अभी देखो अब ये रोड यहाँ से वहाँ तक कुत्ता बड़ा रोड डाला है, इधर डाला है, इधर डाला, चौथा रोड डाला है, काम चल रहा है। अब लाइट का प्रॉब्लम तो कोई 10 साल से किसार साहब थे नहीं था, वो अभी आया प्रोग्राम, वो थोड़ा तो होता है प्रोग्राम थोड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके बार हैदराबाद कंटेस्टेंट बीजेपी के कंटेस्टेंट असदुद्दीन ओवैसी को टगाफर मुकाबला देंगे? नहीं, ऐसा टगाफर मुकाबला कोई भी आए तो कोई भी आए तो प्रोग्राम तो जैसा रहा ऐसा ऐसी रहेगा, वो इसी जीतेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं बीजेपी का तो कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं होगा? नहीं है, अब लेडीज सारे महिला ठहरे, अब उनको ज्यादा क्या मालूम है सिटी के बारे में। अच्छा। चलते रहता प्रोग्राम तो आते रहते जाते रहते, अब जिसको डालना पब्लिक उनको चाहती है, अब 5 साल के बाद एक बार आते तो कंटिन्यू हम लोग भी काम करते रहते, वो लोग भी काम करते रहते, चलते रहता काम। तो ये है जो कॉमन पब्लिक का यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर वर्जन देखने को मिल रहा है, कि एक है जो यहाँ के समस्याओं को उठाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को लीडर्स के सामने ले जाने के बावजूद यहाँ पर उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम वोटर्स ऐसे हैं आज भी MIM का जो गढ़ माना जाता है यहाँ पर, आज भी दावा करते हैं कि यहाँ पर MIM ही जीतेगा, कितने भी बड़े लीडर आने दो यहाँ पर, मगर असदुद्दीन ओवैसी जीतने की बात कहते हैं। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूँ राजकिरण बतुला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।